नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आंसर राइटिंग की क्लास में स्वागत है आपका। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज टॉपिक हमारा होगा पेपर वन का यूनिट फोर। ठीक है, पेपर वन की यूनिट फोर, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, क्या है? मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे क्या मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, जो जो विद्रोह हुए हैं मध्य प्रदेश में, तो उन सारी घटनाओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे अपनी आंसर राइटिंग में। ठीक है, रेडी आप सभी लोग आंसर राइटिंग के लिए? तो पेपर वन यूनिट फोर, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, पहली क्लास है ये इसकी, यूनिट फोर की, पेपर वन की। तो रेडी है आप सभी लोग, तैयार है आंसर राइटिंग के लिए? और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो लोग नए जुड़े हुए हैं आज की क्लास में, आवाज क्लियर आ रही है? जो लोग आज की क्लास में नए जुड़े हुए हैं उनसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो आंसर राइटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है और एमपीपीएससी में सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या है? उत्तर लेखन। सबसे महत्वपूर्ण विधा क्या है? उत्तर लेखन। ठीक है, आप प्री में रटकर मेहनत करके आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, और लेकिन मेंस जो है सबसे महत्वपूर्ण चरण है, उसमें आप केवल उत्तर लेखन की कला के द्वारा ही सफल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, और एक बेहतरीन आंसर राइटिंग आप तभी कर सकते हैं जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें आंसर राइटिंग की। ठीक है, तो जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन्हें बता देते हैं कि आंसर राइटिंग की क्लास हमारी बहुत दिनों से चल रही है। ठीक है, पूरी संपूर्ण हिस्ट्री हम लोग समाप्त कर चुके हैं आंसर राइटिंग में, और आज से हम पेपर वन का यूनिट फोर, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर लेखन के लिए। और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 3 मार्कर 5 मार्कर और 11 मार्कर की। ठीक है, 3 मार्कर के लिए समय रहेगा आप लोगों के पास, जो लोग घर बैठकर आंसर राइटिंग कर रहे हैं लाइव, 35 सेकंड का समय रहेगा। ठीक है, 5 मार्कर के लिए 3 मिनट का समय रहेगा और 11 मार्कर के लिए 9 मिनट का समय रहेगा। ठीक है, तो रेडी हैं आप सभी लोग आज की क्लास के लिए? तैयार हैं? आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दें हम लोग? ठीक है, तो आपको पता है टॉपिक क्या है हम लोगों का? मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं प्रारंभ से, कहां से अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की बिगुल बजना प्रारंभ हो जाती है मध्य प्रदेश में, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, प्रारंभिक घटनाएं कौन कौन सी थी, उन सारी घटनाओं को देखते हुए चलेंगे। कौन कौन से 3 मार्कर 5 मार्कर 11 मार्कर बन सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बार प्रश्न बनते हैं यहां से। ठीक है, तो यूनिट फोर से कम 30 नंबर का तो बनेगा ही मिनिमम। ठीक है, सिलेबस के अनुसार तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं इस यूनिट का 3 मार्कर। पहला प्रश्न है बुढ़वा मंगल। ठीक है, क्या है प्रश्न? बुढ़वा मंगल। तो जितने भी बच्चे हैं 3 मार्कर लिख रहे हैं, जो 35 सेकंड में आपको लिखना होगा। ठीक है, समय टाइमर आपकी डिस्प्ले पर रहेगा, समय शुरू होता है 35 सेकंड का। अब लिखें सभी लोग, बुढ़वा मंगल क्या था? समय हो चुका है समाप्त। ठीक है, लिख लिया आप सभी लोगों ने? क्या था? बुढ़वा मंगल। ठीक है, बुढ़वा मंगल क्या है? ये एक पर्व है, आयोजन है, त्योहार है, हनुमान जी से संबंधित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के काशी क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, जब इसका आरंभ मध्य प्रदेश में बाद में किया गया था, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बुढ़वा मंगल त्योहार कहां का था? काशी क्षेत्र का, यूपी के। ठीक है, इसमें हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप को समर्पित यह त्योहार मनाया जाता है। हनुमान जी के वृद्ध स्वरूप की पूजा की जाती है इसमें। ठीक है, ऐसा माना जाता है
कि जो पांडवों में जो भीम थे उनको उनमें हजारों हाथियों का बल था और वो महान योद्धाओं को बहुत सारे महान पहलवानों को हरा चुके थे, तो उनमें थोड़ा सा घमंड आ गया था। ठीक है, तो हनुमान जी ने वृद्ध स्वरूप रखकर उनको पराजित कर दिया था भीम को और उनके घमंड को चूर चूर कर दिया था, उनके दर्प को। ठीक है, तो इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है बुढ़वा मंगल। ठीक है, काशी का जो बुढ़वा मंगल त्यौहार था ये प्रसिद्ध था। यहां पर संपूर्ण देश के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग रियासतों के राजा, राजकुमार और बड़े बड़े विद्वान, महान व्यक्ति यहां पर इस प्रोग्राम में आते थे काशी में। ठीक है, इससे प्रभावित होकर सन 1836 में जैतपुर के राजा परीक्षित, ने चरखारी नरेश रतन सिंह के साथ मिलकर, चरखारी रियासत के नरेश जो थे रतन सिंह, ठीक है, इनके संरक्षण में सूपा नामक स्थान पर बुढ़वा मंगल आयोजन की योजना बनाई। ठीक है, कहां पर बनाई? जैतपुर के राजा परीक्षित ने, रतन सिंह जो चरखारी रियासत के शासक थे, ये राजा परीक्षित के रिश्तेदार लगते थे, तो रतन सिंह के संरक्षण में चरखारी रियासत में एक सूपा नामक स्थान था, वहां पर बुढ़वा मंगल आयोजन की योजना बनाई। किसने? जैतपुर के राजा परीक्षित ने। इस योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि बुंदेलखंड की सभी रियासतों को इकट्ठा करके ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध संघर्ष हेतु, विद्रोह हेतु प्रेरित करना। ठीक है, उद्देश्य क्या था? बुंदेलखंड की सभी रियासतों को इकट्ठा कर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हेतु प्रेरित करना। बुढ़वा मंगल आयोजन यानी कि जो मध्य प्रदेश में पहली बार होगा, जिसकी वजह से बुढ़वा मंगल आयोजन में सभी लोग लगभग 42 रियासतों, बुंदेलखंड रियासत के राजा और शासक आएंगे यहां पर और मां भवानी की कसम खाकर कहेंगे कि हम अपने क्षेत्रों से ब्रिटिश दुश्मन को मार भगाएंगे। ठीक है, तो बुढ़वा मंगल आयोजन के दौरान यह शपथ ली जाती है। तो बुढ़वा मंगल बहुत ही महत्वपूर्ण है थ्री मार्कर के लिए, तो ध्यान रखना है बुढ़वा मंगल जो त्योहार है या पर्व है किससे संबंधित है? हनुमान जी से संबंधित है, उनके वृद्ध स्वरूप से। काशी में मनाया जाता था प्रारंभ में, प्रसिद्धि कहां से थी बुढ़वा मंगल त्योहार की? काशी की वजह से। ठीक है, अगला थ्री मार्कर देख लेते हैं। अगला थ्री मार्कर है कुंवर चैन सिंह, ठीक है, जानते हैं सभी लोग इन्हें अच्छे से। इनके बारे में तीन महत्वपूर्ण जानकारियां आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, कुंवर चैन सिंह क्या है? मध्य प्रदेश के दर्प हैं, गर्व हैं। ठीक है, कुंवर चैन सिंह, 35 सेकंड का समय है आप लोगों के लिए, लिखेंगे सभी लोग। कुंवर चैन सिंह, समय हो चुका है समाप्त। ठीक है, कुंवर चैन सिंह कौन थे? इनको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का पहला शहीद माना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले शहीद माने जाते हैं। ठीक है, भोपाल के निकट स्थित नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। ठीक है, इन्हें नरसिंहगढ़ का शेर भी कहा जाता था। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद का इनको दर्जा प्राप्त है, यानी कि इन्हें मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहा जाता है स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, इनकी शहादत कब हुई थी? 24 जुलाई 1824 को सीहोर में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए ये शहीद हो गए थे। ठीक है, अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी थी। ठीक है, अंग्रेजों की बहुत सारी जो भू राजस्व पॉलिसी से लेकर जो अधिग्रहण की पॉलिसी थी उसके विरोध में इन्होंने आंदोलन कर दिया था और अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ कर दिया था कुंवर चैन सिंह ने। ठीक है, तो क्या थे ये? मध्य प्रदेश के प्रथम शहीद माने जाते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में। 24 जुलाई 1824 को सीहोर में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे। ठीक है, अगला थ्री मार्कर ले लेते हैं। अगला थ्री मार्कर है गिरवर सिंह गौंड। ठीक है, गिरवर सिंह गौंड, समय है 35 सेकंड का, समय शुरू होता है अब। गिरवर सिंह गौंड,
समय हो चुका है समाप्त, ठीक है। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, 2021 की जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पूर्ण ईमानदारी और मेहनत के साथ, लगन के साथ आप इसी प्रकार से करते रहें, ठीक है। आपका एग्जाम मार्च में है ऑलरेडी। तो गिरवर सिंह गौंड कौन थे ये, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं अक्सर ही एमपीपीएससी में, प्री मेंस दोनों जगह, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को देखते हुए चलना है हमें। गड़ा कटंगा, ठीक है, या गड़ा कटंगी जबलपुर, कहां पर ये कटंगी, जबलपुर के मालगुजार, ठीक है, यानी कि मालगुजार कौन होता है, एक तरह से जागीरदार या जमींदार को कहते हैं, ठीक है। मालगुजार देवी सिंह गौंड के पुत्र कौन थे, गिरवर सिंह गौंड थे, ठीक है। इन्होंने 1857 की क्रांति में अंबापानी के नवाब भाई आदिल मोहम्मद खान और फाजिल मोहम्मद खान, दो लोग थे अंबापानी के, दो भाई थे नवाब आदिल मोहम्मद खान और फाजिल मोहम्मद खान के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था, कब, 1857 की क्रांति में, ठीक है। गिरिवर सिंह गौंड 1857 की क्रांति में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ठीक है, और इन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चब्बा दिए थे, ठीक है, अपनी गौंड सेना के साथ इन्होंने अंबापानी के नवाब आदिल मोहम्मद खान और फाजिल मोहम्मद खान के साथ मिलकर भोपाल रियासत और अंग्रेजों की सेना को कई जगह 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 पर इन्होंने पराजित किया, ठीक है। गिरवर सिंह गौंड हो गए थ्री मार्कर। अगला है राहतगढ़ विद्रोह, अगला थ्री मार्कर क्या है, राहतगढ़ विद्रोह, ठीक है। 35 सेकंड का समय मिलेगा आप लोगों को, समय शुरू होता है अब। राहतगढ़ विद्रोह, समय समाप्त हो चुका है। राहतगढ़ विद्रोह, ठीक है, सागर के पास में राहतगढ़ नाम की एक जगह थी जहां पर एक दुर्ग बना हुआ था, ठीक है। सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व गढ़ी अंबापानी के नवाब भाइयों फाजिल मोहम्मद खान एवं आदिल मोहम्मद खान ने किया था। 26 जुलाई को राहतगढ़ थाने पर कब्जा किया इन्होंने, यहां पर अंग्रेज सेना थी, अंग्रेज पुलिस थी, उनको भगा दिया मारकर राहतगढ़, ठीक है, यानी सागर के पास में है, ठीक है, राहतगढ़ थाने पर कब्जा कर लिया और 28 जुलाई को इन्होंने राहतगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और राहतगढ़ दुर्ग से क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों को संचालित किया, ठीक है, क्रांतिकारी या विद्रोहियों ने, ठीक है। तो राहतगढ़ विद्रोह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था 1857 का, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, अंबापानी, गढ़ी अंबापानी एक रियासत थी, उसके नवाब भाई फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान कर रहे थे, ठीक है। सागर के पास में जो राहतगढ़ है वहां पर इन्होंने क्या किया था, 26 जुलाई और 28 जुलाई को इन्होंने अपने कारनामों को अंजाम दिया और अंग्रेजों को यहां से पराजित कर भगा दिया, ठीक है। अगला थ्री मार्कर देख लेते हैं। अगला थ्री मार्कर है शंकर शाह, ठीक है, क्या है अगला थ्री मार्कर, शंकर शाह, आवाज आ रही है क्लियर, ठीक है। अगला थ्री मार्कर है शंकर शाह, ठीक है। तो शंकर शाह सुना होगा नाम, 35 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के सामने, समय शुरू होता है अब। लिखें शंकर शाह के बारे में,
शंकर शाह लिख लिया आप सभी लोगों ने, कर लिया थ्री मार्कर। शंकर शाह कौन है? शंकर शाह ये जबलपुर क्षेत्र के, नाम से ही आपको दिख रहा होगा, जबलपुर क्षेत्र में गोंड वंश के शासक थे। ठीक है, इन्होंने 1857 के विद्रोहियों की मदद की और 1857 की क्रांति से प्रभावित होकर इन्होंने अंग्रेज छावनी पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अपने क्षेत्र में अंग्रेजों को यहां से बाहर भगाने के लिए। ठीक है, अंग्रेजों ने इन्हें, इनके पुत्र रघुनाथ शाह सहित 18 सितंबर 1857 को विप्लव भड़काने के अपराध में तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया। ठीक है, तो जबलपुर क्षेत्र के महान क्रांतिकारी शंकर शाह, ठीक है, जबलपुर क्षेत्र के महान क्रांतिकारी शंकर शाह गोंड, ठीक है, जिन्होंने 1857 में अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश शासकों के ऊपर या जो ब्रिटिश औपनिवेशक जो यहां पर सत्ता थी उसको हटाने का, उसको उन लोगों को यहां अपने क्षेत्र से मार भगाने का प्रयास किया। ठीक है, अपनी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। ठीक है, तो और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने अपने जो साथ के जो गोंड आदिवासी थे उनके साथ मिलकर, ठीक है, और गरीब अंबापानी के जो शासक थे आदिल और फाजिल मोहम्मद खान उनके साथ मिलकर और जो अन्य लोग थे, ठीक है, जहां जहां पर भी 1857 की क्रांति हो रही थी उन सभी का इन्होंने सहयोग किया और उनके सहयोग के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजों का बहुत अच्छे से सामना भी किया। लेकिन ठीक है, 18 सितंबर को इन्हें पकड़ लिया गया। ठीक है, तो 18 सितंबर को इन्हें पकड़कर विप्लव भड़काने के अपराध में तोप के मुंह से बांधकर पिता और पुत्र दोनों को उड़ा दिया गया और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण बलिदान था। ठीक है, शंकर शाह और रघुनाथ शाह ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अगला थ्री मार्कर देख लेते हैं, मर्दन सिंह। अगला थ्री मार्कर है मर्दन सिंह। ठीक है, समय शुरू होता है अब, 35 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास, समय शुरू होता है अब। मर्दन सिंह ठीक है, समय समाप्त हो चुका है। मर्दन सिंह कौन थे? मर्दन सिंह थ्री मार्कर आप लोगों ने लिख लिया मर्दन सिंह का, देख लेते हैं। बानपुर, बानपुर के कौन थे? ये राजा थे या रियासतदार थे। ठीक है, बानपुर कहां पर है? ओरछा रियासत। ठीक है, जो पहले ओरछा रियासत, ओरछा राज्य जो था, ठीक है, उसी का एक भाग है बानपुर रियासत। ठीक है, ललितपुर यूपी वाले क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं बानपुर, बानपुर। ठीक है, बानपुर के राजा थे, 1857 के क्रांतिवीर थे। ये वो व्यक्ति है मर्दन सिंह जिन्होंने कुछ अपनी पर्सनल समस्याओं की वजह से, ठीक है, 1842 ये वो व्यक्ति है जो बुंदेला विद्रोह जब होगा, जब बुंदेला विद्रोह होगा तो इन्हें मजबूरीवश अंग्रेजों का सहयोग करना पड़ता है। लेकिन 1857 की क्रांति में ये एक महान योद्धा के तौर पर प्रकट होते हैं। ठीक है, मर्दन सिंह कहां के थे? ये बानपुर रियासत के शासक थे। इन्होंने विद्रोह कर ललितपुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ललितपुर क्षेत्र में जो अंग्रेजों की रेसिडेंसी थी उसको, अंग्रेजों को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया तथा सभी जो यूरोपियन थे, ब्रिटिशर्स थे, उनको कैद कर लिया इन्होंने। ठीक है, और सागर के राजा बखत बली तथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। ठीक है, तो यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और बखत बली को भी सहयोग प्रदान किया। ठीक है, राजा मर्दन सिंह, नाम ध्यान रखना आपको, 1857 के बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा है। इन्होंने अनेक युद्धों में अंग्रेज सेना को, अंग्रेज टुकड़ियों को पराजित किया था। ठीक है, मर्दन सिंह। अगला थ्री मार्कर ले लेते हैं, कहां के थे ये राजा? बानपुर रियासत के शासक थे। ठीक है,
ललितपुर पर भी अधिकार कर लिया था इन्होंने 1857 में, ठीक है। और शाहगढ़ के राजा बखत बली तथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया, ठीक है। अगला थ्री मार्कर देख लें, अगला थ्री मार्कर है राजा सरजू प्रसाद, राजा सरजू प्रसाद, ठीक है। समय शुरू होता है अब, 35 सेकंड का समय मिलेगा आप लोगों को, राजा सरजू प्रसाद सिंह या ठाकुर सरजू प्रसाद सिंह, राजा सरजू प्रसाद सिंह, ठीक है। 35 सेकंड का समय लिखें, ठीक है। हाँ, समय हो चुका है समाप्त, लिख लिया आप सभी लोगों ने, राजा सरजू प्रसाद सिंह, ठीक है। कौन थे ये? जबलपुर के नजदीक स्थित रियासत विजय राघवगढ़ के शासक थे राजा सरजू प्रसाद सिंह, ठीक है। इन्हें बचपन से ही बड़ी नफरत थी अंग्रेज शासकों से, और इन्हें मौका मिलते ही जब संपूर्ण देश में क्रांति का बिगुल बज रहा था 1857 में, तो इन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया राजा सरजू प्रसाद सिंह ने, ठीक है। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को पराजित कर मार भगाया, ठीक है। कहां से? विजय राघवगढ़ से, ठीक है। अंग्रेजों को अनेक युद्धों में पराजित किया इन्होंने, और जब अंग्रेजों ने इनकी राजधानी के ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है, विजय राघवगढ़ के दुर्ग पर जब आक्रमण कर दिया अंग्रेजों ने, तो इनके सेनापति थे रामबोल तथा बदन चाचा, ठीक है। इन लोगों ने बड़ी ही बहादुरी के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, परंतु युद्ध में ये दोनों ही शहीद हो गए। इसके पश्चात रामबोल की पत्नी थी, क्या नाम था उनका? रामबोल की पत्नी नयनी, ठीक है। तो ये नयनी जो थी, इन्होंने युद्ध का संचालन किया, ठीक है। यानी सेना की कमान किसने संभाल ली? सेनापति की पत्नी नयनी ने सेना की कमान संभाल ली, नेतृत्व संभाल लिया सेना का, ठीक है, नयनी ने। और उसके बाद बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ ब्रिटिश सेना और विजय राघवगढ़ की सेना के बीच में, लेकिन दुर्ग का पतन हो गया, ठीक है। ठाकुर राजा सरजू प्रसाद सिंह यहां से चले जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। लेकिन विश्वासघातियों की वजह से 1864 ईस्वी में इनको पकड़ लिया जाता है, इनके परिचित लोग जो होते हैं इनको पकड़वा देते हैं ब्रिटिश सरकार से, ठीक है। इनके ऊपर इनाम घोषित था, इस वजह से इनाम की लालच में 1864 में पकड़ लिए जाते हैं, ठीक है। इनको परिवार सहित काले पानी की सजा दे दी जाती है, ठीक है। देश निकाला दे दिया जाता है अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार इन्हें पहुंचा दिया जाता है सेल्युलर जेल में, काले पानी की सजा दे दी जाती है, ठीक है। ठीक है, इन पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह भड़काने की आरोप लगाकर आरोप साबित कर दिए जाते हैं और इनको काले पानी की सजा दे दी जाती है ठाकुर सरजू प्रसाद सिंह को, ठीक है। अगला थ्री मार्कर देख लेते हैं, बुंदेला, अगला फाइव मार्कर है, सॉरी, ठीक है। थ्री मार्कर हो गए आज के, क्योंकि आज हम लोगों ने नया टॉपिक लिया है और आप लोगों से जुड़ने में थोड़ा समय लगेगा, नए टॉपिक को आप लोग भी नए टॉपिक को कैप्चर करने में थोड़ा सा समय लेंगे, ठीक है। तो आज हम थोड़े से कम प्रश्न रखेंगे। अगला फाइव मार्कर देख लेते हैं, थ्री मार्कर हो गए, सारे थ्री मार्कर महत्वपूर्ण थे, देख लेते हैं एक बार। आप लोग मेहनत के साथ इन थ्री मार्कर्स को तैयार कर लें, ठीक है। पहला था बुढ़वा मंगल, देख लिया था हम लोगों ने किससे संबंधित था। कुंवर चैन सिंह कौन थे, कहां से थे, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। गिरवर सिंह गौंड क्या थे, कौन थे, ठीक है, इनके क्या योगदान थे। राहतगढ़ विद्रोह क्या है, ठीक है, कहां पर हुआ था। शंकर शाह, ठीक है, ये वाला भी थ्री मार्कर हम लोगों ने कर लिया था,
शंकर शाह गोंड के ऊपर रघुनाथ शाह गोंड कौन थे, ठीक है, थ्री मार्कर। मर्दन सिंह, मर्दन सिंह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, बुंदेला विद्रोह में इनकी थोड़ी सी नकारात्मक छवि उभरती है, लेकिन अपने सारे जो अच्छे कार्य हैं वो इकट्ठे करकर 1857 में ही अंग्रेजों के विरुद्ध पूर्ण शक्ति से उनका क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। मर्दन सिंह को देख लेते हैं। मर्दन सिंह ने 1842 में बुंदेला विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी, मर्दन सिंह और बखत वली ने। कुछ उन पर दबाव रहे होंगे, ठीक है, कुछ उनकी मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, ठीक है। मर्दन सिंह को और बखत वली को अंग्रेजों से कोई मोहब्बत नहीं थी, ठीक है, कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से बुंदेला विद्रोह में सहयोग करना पड़ा, इनकी मजबूरी रही होगी, है ना। मर्दन सिंह देख लिए, राजा सरजू प्रसाद सिंह को देख लिया हमने, विजय राघवगढ़ में इन्होंने क्या किया था, 1857 क्रांति का बिगुल बजाया था और अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से मार भगाया था। इनके सेनापति रामबोल और बद्दन चाचा थे, ठीक है। रामबोल की पत्नी का नाम क्या था, सेनापति नयनी। रामबोल जो सेनापति थे उनकी पत्नी का नाम क्या था, नयनी था, ठीक है। जब रामबोल शहीद हो गए तो उनकी पत्नी ने सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन दुर्ग का पतन हो गया अंततः, ठीक है। ब्रिटिश सेना भारी पड़ गई भारतीयों के ऊपर, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अगला फाइव मार्कर, ठीक है, फाइव मार्कर ले लेते हैं। बुंदेला विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एमपीपीएससी के लिए, इस यूनिट से बुंदेला विद्रोह से बार बार प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आज हम बुंदेला विद्रोह से दो फाइव मार्कर करेंगे और कल एक इलेवन मार्कर कर लेंगे, तो बुंदेला विद्रोह आपके लिए सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। कल बुंदेला विद्रोह के ऊपर एक इलेवन मार्कर भी कर लेंगे, ठीक है, आज दो फाइव मार्कर कर लेते हैं। पहला फाइव मार्कर देख लेते हैं, बुंदेला विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालें, ठीक है। तीन मिनट का समय रहेगा आप लोगों के पास, समय होता है शुरू। आंसर राइटिंग की यह विशेषता है कि आपका प्रस्तुतीकरण जितना अच्छा होगा, जितना प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, कम जानकारी के बावजूद अगर एग्जामिनर को आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है तो आप सफल हो जाएंगे 100%, ठीक है, मेंस के एग्जाम में। बुंदेला विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालें, तीन मिनट का समय है, समय शुरू होता है अब, लिखें सभी लोग।
ठीक है, समय हो चुका है समाप्त, सभी लोगों ने कर लिया होगा, 3 मिनट का समय था आप लोगों के पास, हो गया आप लोगों का सभी का। ठीक है, बुंदेला विद्रोह के कारणों की चर्चा करनी थी, तो देख लेते हैं क्या क्या कारण थे इसके महत्वपूर्ण। ठीक है, बुंदेला विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालें। ठीक है, यानी के कॉजेज बताने थे आपको बुंदेला विद्रोह के। ठीक है, बुंदेला विद्रोह के कारणों पर प्रकाश डालना था आप लोगों को। लिख लिया आप सभी लोगों ने। सबसे पहला ये देख लेते हैं, ब्रिटिश राजस्व क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था, सागर नर्मदा अंचल में स्थापित भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया था, तथा पहाड़ी क्षेत्रों से भी कर वसूलना अनिवार्य कर दिया गया था, और भू राजस्व सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, जो कुछ ऐसे लोग थे जिनको पहले भू राजस्व विशेष जो रियायत प्राप्त व्यक्ति थे, ठीक है, जमींदार जागीरदार और जो सामंत थे उनको विशेष रियायतें प्राप्त थी। ठीक है, उनसे भी रियायतें छीन ली गई और यहां पर सभी के लिए भू राजस्व देना अनिवार्य कर दिया गया, चाहे आप काश्तकार हो चाहे आप मालगुजार हो, मालगुजारदार हो। ठीक है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको भू राजस्व देना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। दूसरा, राजस्व दर में वृद्धि कर दी गई। 1833-34 में मार्टिन बर्ड की अध्यक्षता में राजस्व की जांच के लिए गठित कमेटी ने क्या किया, भूमि की दर को बढ़ा दिया, भूमि कर की दर को बढ़ा दिया, या कितना बढ़ा दिया गया था, लगभग 5 से 15% तक। ठीक है, 5 से 15% तक भू राजस्व बढ़ा दिया गया। ठीक है, यानी कि भूमि कर कितना हो गया, लगभग कुल अपज का 66% से भी अधिक हो गया था लगभग। ठीक है, 66% तो इन्होंने तय किया था, लेकिन कभी कभी यह 66% से भी ऊपर निकल जाया करता था। समझ रहे हैं बात को। तो 5 से 15% तक इसमें वृद्धि कर दी गई भू राजस्व दर में। जमींदारों को अधिकारों से वंचित कर दिया गया। ठीक है, सागर नर्मदा क्षेत्र में ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था की वजह से बड़े पुराने मालगुजार बड़ी संख्या में अधिकार च्युत कर दिए गए। ठीक है, और उन्हें अपनी भूमि और संपत्ति से वंचित कर दिया गया। ठीक है, यहां पर कौन सी प्रथा लागू थी, जितने भी जैसे कर वसूलने का अधिकार था, और जो लोग कर जमा नहीं कर पा रहे थे, जो जमींदार वर्ग था जो कर सही समय पर जमा नहीं कर पाते थे, ठीक है, ब्रिटिश खजाने में उन लोगों से उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। ठीक है, ऐसे अनेक जमींदार थे, कई जमींदारों की भूमि और संपत्तियां छीन कर दूसरे जमींदारों को हस्तांतरित कर दी गई थी। ठीक है, यानी कि मालगुजारी अगर जिस क्षेत्र के जमींदार नहीं दे पा रहे थे, या उनका महाल या जो समूह था या जो गांव था वो पूरा का पूरा भू राजस्व अगर नहीं चुका पा रहा था, तो इसका जिम्मेदार किसे माना जाता था, गांव के मुखिया या जमींदार को, जो प्राचीन काल से मध्यकाल से आप देखते आ रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार होता था। ठीक है, लेकिन उनके ऊपर अत्याचार नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर उनको अधिकारों से, जो उनके पुश्तैनी अधिकार थे, उनसे ही वंचित कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, और जमींदारों के साथ साथ बहुत सारे किसान भी अपनी जमीन से वंचित हो गए थे। जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई भी की थी इन्होंने, अनेक कार्रवाइयां की थी ब्रिटिश सरकार ने, भू राजस्व जमा न करने पर जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, और इनके विरुद्ध क्या किया जाता था, डिक्री जारी कर दी जाती थी। ठीक है, डिक्री जारी यानी कि इनकी संपत्ति पर क्या कर लिया जाता था, ब्रिटिश सरकार की तरफ से कब्जा कर लिया जाता था। ठीक है, ऐसी कठोर कार्रवाइयां की जा रही थी जमींदारों के विरुद्ध। ठीक है, तो यह भी एक कारण था बुंदेला विद्रोह का। शस्त्रों के रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था,
पुलिस की अनुमति के बिना शस्त्रों को रखने एवं बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, जिससे रियासतदार एवं जमींदारों में असंतोष की भावना व्याप्त हो गई। हमें पता है शस्त्र रखने के लिए भारत में पहले से प्राचीन परंपरा चली आ रही थी। जो लोग छोटे क्षेत्रीय शासक होते थे वो छोटी मोटी सेनाएं भी रखते थे, जमींदार और जो जागीरदार होते थे वे लोग भी सेनाएं रखते थे, ठीक है। लेकिन अब सेना रखना तो दूर की बात है, आपको हथियार रखने के लिए भी सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी वजह से भी जो छोटे शासक थे उनमें असंतोष की भावना की वृद्धि होती जा रही थी, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, बुड़वा मंगल आयोजन, ठीक है। बुड़वा मंगल आयोजन ने 1842 के बुंदेला विद्रोह के लिए एक सुदृढ़ प्लेटफॉर्म, ठीक है, सुदृढ़ प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जिसमें बुंदेलखंड की 42 छोटी बड़ी रियासतों के शासकों ने भाग लिया था और वे सभी लोग ब्रिटिश शासन की नीतियों से परेशान थे, ठीक है। ब्रिटिश शासन की जो भू राजस्व नीतियां थी उनसे परेशान थे, ठीक है। तो ब्रिटिश राजस्व क्षेत्र का विस्तार, राजस्व दर में वृद्धि, ठीक है। बुड़वा मंगल आयोजन, ठीक है। कुछ हेडिंग आप ऐसी भी बना सकते हैं अगर आवश्यक हो, प्रतिक्रियावादी नीतियां, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, प्रतिक्रियावादी नीतियां क्या क्या थी, जैसे कि पहले से चली आ रही बहुत सारी परंपराओं को इन्होंने क्या किया था, खंडित कर दिया था, ठीक है। बहुत सी प्रशासनिक एवं सामाजिक संरचना में इन्होंने क्या कर दिया था, परिवर्तन कर दिया था, ठीक है, जिसकी वजह से भी समाज में असंतोष व्याप्त था, ठीक है। कैसे कर दिया था, आप लोगों को पता होगा, जो बहुत पहले से पुश्तैनी तौर पर किसी गांव का जमींदार है तो उसको जो सम्मान प्राप्त था उसके सम्मान में कमी आ गई, अचानक से वह एक निम्न वर्ग में शामिल हो गया और गांव की जमींदारी किसी अन्य व्यक्ति को दे दी गई, बाहरी व्यक्ति को, ठीक है, या बगल वाले गांव के, ठीक है, जो नजदीक वाले गांव को दूसरे गांव की जमींदारी सौंप दी गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, इनके सम्मान में भी प्रतिष्ठा में भी कमी आई और असंतोष में वृद्धि हुई, ठीक है। और जैसे क्या होता था पहले, जैसे पहले आपसी जो समस्याएं होती थी, आपसी विवाद होते थे, पंचायतों के द्वारा सुलझा लिए जाते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोर्ट की स्थापना की, सिविल कोर्ट की स्थापना कर दी, ठीक है, सिविल कोर्ट की स्थापना कर दी, जिसमें क्या था, समानता का व्यवहार किया जाता था, ठीक है। लेकिन अभी भारतीय समाज इन सारी चीजों को समझने हेतु तैयार नहीं था, ठीक है। तो जिस वजह से क्या हुआ, इन्हें ऐसा लगा जैसे कि मान लो किसी ब्राह्मण और किसी दलित वर्ग का कोई मामला है तो उन दोनों के पास उन दोनों के साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है, तो लोगों को यह लगने लगा कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे धार्मिक और सामाजिक मामलों में भी क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरी बात, चूंकि पंचायतें जो होती थी वो सामाजिक ढांचे को समझती थी, सामाजिक ताने बाने को समझती थी, उसी के हिसाब से क्या करती थी, डिसीजन करती थी। लेकिन जो सिविल कोर्ट होते थे इसमें जो जज होते थे वो कैसे होते थे, जज विदेशी होते थे, ठीक है, जज जो होते थे वो विदेशी होते थे, ठीक है। तो उनको भारतीय संस्कृति और समाज की कोई भी समझ नहीं होती थी, ठीक है, जिसकी वजह से भी असंतोष में लगातार वृद्धि होती जा रही थी, ठीक है। तो ये सारे कारण भी इसमें आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, बुंदेला विद्रोह के कारणों में। तो बुंदेला विद्रोह के कारण आपको लिख देना है 5 मार्कर में, ठीक है। अगला प्रश्न ले लेते हैं 5 मार्कर, बुंदेला विद्रोह के कारणों में क्या क्या है। पहला है ब्रिटिश राज क्षेत्र का विस्तार, ठीक है, इनके लालच में अधिकता होती जा रही थी, ब्रिटिश जो शासक थे, ठीक है, ये लोग क्या चाह रहे थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व इकट्ठा किया जा सके, ठीक है। तो इन्होंने आदिवासियों को भी शामिल कर लिया इसमें, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया, राजस्व दर में भी वृद्धि कर दी, 5 से 15% तक बढ़ा दिया, ठीक है, जमींदारों को अधिकारों से वंचित कर दिया गया, कृषकों को भी बहुत सारी जमीन से कृषकों को भी वंचित होना पड़ा,
ठीक है, उनके ऊपर मालगुजारी और भू राजस्व के लिए दबाव डाला गया, अत्याचारों में वृद्धि की, ठीक है, और जमींदारों और जो जागीरदार थे, रियासतदार थे या जो क्षेत्रीय शासक थे, उनके साथ बहुत ही असम्मानजनक व्यवहार करते थे अंग्रेज और ब्रिटिश अधिकारी, ठीक है, जिसकी वजह से भी असंतोष में वृद्धि हुई, ठीक है। जमींदारों के विरुद्ध बहुत ही ज्यादा कठोर कार्यवाही क्या की गई, ठीक है, भू राजस्व नहीं चुकाते थे इनके गांव, तो क्या करते थे, इनको जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, इनकी जमीन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा हस्तांतरित कर दिया जाता था, या तो किसी अन्य जमींदार को दे दिया जाता था, या फिर सरकार इनको इनकी जमीन के ऊपर कब्जा कर लेती थी, ठीक है। शस्त्रों के रखने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, शस्त्र रखना भारत में उस समय सम्मान का प्रतीक माना जाता था। अब एक राजा को शस्त्र रखने हैं तो उसके लिए भी उसे एक छोटे से कोतवाल से जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से भी असंतोष की भावना में वृद्धि हुई, ठीक है। और दूसरा बुढ़वा मंगल आयोजन जो हुआ था उसने भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया था, सभी लोग इकट्ठे हुए, सारे जो असंतुष्ट जो शासक थे, क्षेत्रीय शासक थे बुंदेलखंड के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक होकर आंदोलन या विद्रोह करने की योजना बना ली, ठीक है। ब्रिटिश सरकार की भू राजस्व एवं प्रतिक्रियावादी नीतियां, पंचायतें, सिविल कोर्ट वगैरह, ठीक है, पंचायतों को नष्ट करके इन्होंने सिविल कोर्ट की स्थापना कर दी, जिसकी वजह से समाज में असंतोष पैदा होने लगा, ठीक है। और जो सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, जिन लोगों को, जिन वर्गों को पहले से समाज में सम्मान प्राप्त था, उनकी प्रतिष्ठा में कमी आने की वजह से भी समाज में असंतोष की भावना वृद्धि करती जा रही थी, ठीक है। अगला फाइव मार्कर ले लेते हैं, अगला फाइव मार्कर है बुंदेला विद्रोह पर टिप्पणी लिखें, सरल फाइव मार्कर है, बुंदेला विद्रोह पर टिप्पणी लिखें, सभी लोग करेंगे इसे, 3 मिनट का समय रहेगा आप लोगों के पास, समय शुरू होता है अब, लिखें सभी लोग, बुंदेला विद्रोह पर टिप्पणी लिखें।
ठीक है, समय हो चुका है समाप्त, लिख लिया। बुंदेला विद्रोह पर अगर टिप्पणी आ जाए फाइव मार्कर में, ठीक है, फाइव मार्कर में अगर आ जाएगी तो कैसे लिखना है, कम से कम काम काम की कुछ चीजें लिख देना है हमें, ठीक है। कल हम लोग बुंदेला विद्रोह पर 11 मार्कर भी तैयार कर लेंगे, ठीक है। अभी देख ले फाइव मार्कर, ठीक है, फाइव मार्कर कैसे लिखना है। सबसे पहले देख लेते हैं कैसे स्टार्ट हुआ। 1842 ईस्वी के बुंदेला विद्रोह के पीछे प्रमुख कारण क्या थे? अंग्रेजी भू राजस्व की नीतियां और तथा इसकी क्रियान्वयन प्रणाली इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण था, ठीक है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा था, संपूर्ण क्षेत्र में असंतोष व्याप्त था, रियासतदार जितने भी थे, जितने भी क्षेत्रीय शासक थे, सभी लोग इसकी वजह से असंतुष्ट थे, ठीक है। जयपुर के राजा परीक्षित ने बुंदेलखंड क्षेत्र में काशी के बुड़वा मंगल जैसा आयोजन करने तथा इस मंच का उपयोग अंग्रेज विरोधी मोर्चा बनाने की योजना के लिए किया, ठीक है, सन 1836 में। यानी जयपुर के राजा परीक्षित जो थे, जब वो गए काशी, वहां पर उन्होंने देखा बुड़वा मंगल आयोजन होता है, यहां पर दूर दूर से राजा आते हैं, आसपास के सारे राजा आते हैं, विद्वान लोग आते हैं, ठीक है, सभी प्रकार के लोग, अच्छे और महान लोग भी आते हैं। तो उन्होंने कहा हम लोग बुड़वा मंगल का आयोजन करेंगे और पूरे बुंदेलखंड रियासत के, ठीक है, संपूर्ण बुंदेलखंड रियासत के लोगों को यहां पर इकट्ठा करेंगे, ठीक है, बुंदेलखंड रियासत के लोगों को इकट्ठा करेंगे और ब्रिटिशर्स की नीतियों के विरुद्ध उनमें विद्रोह की भावना भर के अपने क्षेत्रों को स्वतंत्र करा लेंगे, ठीक है। तो राजा परीक्षित जो थे, जयपुर के शासक थे, इन्होंने ये योजना बनाई थी 1842 की विद्रोह के लिए, ठीक है, बुंदेला विद्रोह के लिए, ठीक है। दूसरा, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। बुड़वा मंगल आयोजन में बुंदेलखंड की लगभग 42 छोटी बड़ी रियासतों ने भाग लिया, जिनमें चरखारी, जैतपुर, हीरापुर, पन्ना, छतरपुर, बिजावर, अलीपुर, बांदा आदि प्रमुख थी, ठीक है, कुछ नाम डाल देंगे आप। इस आयोजन में मां भवानी की कसम खाकर अंग्रेजों को अपने राज्य से बाहर निकालने का प्रण लिया गया था, ठीक है, ठीक है। अब बताना है आगे क्या होगा। सर्वप्रथम मधुकर शाह, ठीक है, सर्वप्रथम मधुकर शाह तथा गणेश जू इनके भाई थे मधुकर शाह के, ठीक है, नारहट के रियासतदार थे, ठीक है। मधुकर शाह कहां के थे? नारहट के रियासतदार थे, ठीक है, नारहट के रियासतदार थे, ठीक है, मधुकर शाह, और गणेश जू इनके भाई थे, ठीक है, ये 19 साल के थे। और हृदय शाह आपको पता है कहां के थे? हीरापुर के। हृदय शाह कहां के थे? हीरापुर के रियासतदार थे, ठीक है। इन सभी ने मिलकर सबसे पहले सागर के उत्तरी क्षेत्र में बुंदेला विद्रोह का प्रारंभ किया, ठीक है। सबसे पहले विद्रोही कौन थे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले? मधुकर शाह, ठीक है। 8 अप्रैल 1842 को सबसे पहले नारहट क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है, यानी सागर के उत्तरी क्षेत्रों में विद्रोह का प्रारंभ मधुकर शाह ने बिगुल बजा दिया अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। मधुकर शाह, गणेश जी और हृदय शाह ने सागर के उत्तरी क्षेत्रों में विद्रोह का आरंभ कर दिया और अनेक क्षेत्रों से अंग्रेज शासकों, अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारियों को बाहर भगा दिया और वहां पर कब्जा कर लिया, ठीक है, इन विद्रोहियों ने। जयपुर के शासक राजा परीक्षित ने अंग्रेजों को लगातार दो युद्धों में पराजित किया था 1842 में, बिलगांव के युद्ध में तथा पनवाड़ी के युद्ध में हराया था, ठीक है, बिलगांव और पनवाड़ी के युद्ध में इन्होंने हराया था इनको, ठीक है। इनके सहयोगियों ने सागर, जबलपुर और नरसिंहपुर के अनेक ब्रिटिश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, ठीक है। यानी इनके सहयोगी कौन कौन से थे, ठीक है, हृदय शाह थे, जैसे मधुकर शाह थे, और भी जवाहर सिंह थे, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। उन सभी लोगों ने क्या किया, अनेक ब्रिटिश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जीत लिया अपने क्षेत्रों को, ठीक है। रतन सिंह जो थे चरखारी रियासत वाले, जिन्होंने क्या किया था, बुड़वा मंगल का आयोजन किया था,
ये अंग्रेजों के साथ मिल गए, ठीक है। रतन सिंह अंग्रेजों के साथ मिल गए विद्रोह के दौरान। विद्रोह बहुत ही अच्छे स्तर पर पहुंच गया था। हृदय शाह, ठीक है, और राजा परीक्षित ने अंग्रेजों के, और मधुकर शाह, ये ऐसे योद्धा थे, इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, ठीक है। और इनके साथ साथ इन क्षेत्रों में जो गोंड रह रहे थे, आदिवासी रह रहे थे, ठीक है, जो अन्य लोग थे, उन लोगों ने भी इसमें विद्रोह किया, जिसका हम वर्णन कल 11 मार्कर के क्वेश्चन में कर लेंगे, ठीक। कल 11 मार्कर के क्वेश्चन को हम अच्छे से लिख लेंगे। रतन सिंह चरकारी रियासत, बखत बली शाहगढ़ रियासत तथा मर्दन सिंह बाणपुर रियासत जैसे शासकों ने क्या कर दिया था, अंग्रेजों का साथ दे दिया था। कुछ परेशानियां, कुछ मजबूरियां इनकी रही थी, जिसकी वजह से यह आंदोलन कमजोर पड़ता चला गया धीरे धीरे, ठीक है। बखत बली और मर्दन सिंह की वजह से अनेक जो विद्रोही शासक थे उनको पकड़ लिया गया, ठीक है। इन जो ये जो जयपुर के शासक राजा परीक्षित हैं, मधुकर शाह हैं, हृदय शाह हैं, इनके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, ठीक है। 10,000 का इनाम घोषित किया था अंग्रेज सरकार ने, ठीक है, इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर, ठीक है, जिसके फलस्वरूप इनको पकड़ लिया गया धीरे धीरे, है ना, जिसके फलस्वरूप इनको पकड़ लिया गया। बखत वली ने किसको पकड़वा दिया था, बखत वली ने हीरापुर के राजा हृदय शाह को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। हीरापुर के शासक थे हृदय शाह, ठीक है, इनको बखत बली ने पकड़वा दिया था, 10,000 रुपए मिल गए इनको, ठीक है। और मर्दन सिंह ने अपनी किसी मजबूरी की वजह से, ठीक है, मधुकर शाह, ठीक है, मर्दन सिंह ने मधुकर शाह को गिरफ्तार करवाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा माना जाता है कि मधुकर शाह की बहन ने इसके लिए मुखबरी की थी और मधुकर शाह को पकड़ लिया था अंग्रेज शासकों ने, ठीक है। तो ये जो शासक थे रतन सिंह, बखत बली तथा मर्दन सिंह, इन जैसे शासकों ने उस समय किसी मजबूरी की वजह से, जो बुंदेलखंड क्षेत्र की रियासतें थी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का सपोर्ट किया, ठीक, और मजबूरी वश किसी कारण की वजह से इन्होंने इस आंदोलन को कमजोर करने में अंग्रेजों की सहायता की, ठीक है। हम देखेंगे बाद में बखत बली और मर्दन सिंह 1857 के महान विद्रोही, महान क्रांतिकारियों में शामिल हो जाएंगे, आगे जाकर ये अपना पूरा बदला चुका लेंगे अंग्रेजों से, ठीक है। इस विद्रोह के प्रमुख क्रांतिकारियों या विद्रोहियों, ठीक है, क्रांतिकारी कह लो या विद्रोही कह लो, ठीक है, विद्रोही कह लो, प्रमुख विद्रोहियों, राजा परीक्षित, ठीक है, जो कहां के थे, जयपुर के थे, ठीक है, मधुकर शाह कहां के थे, नारहट के थे, ठीक है, और हृदय शाह, ये कहां के थे, हीरापुर रियासत के, ठीक है। इस विद्रोह के प्रमुख क्रांतिकारियों या विद्रोहियों राजा परीक्षित, मधुकर शाह तथा हृदय शाह को 1844 ईस्वी तक गिरफ्तार कर लिया गया तथा यह आंदोलन धीरे धीरे जन समर्थन के अभाव में समाप्त हो गया, परंतु इस आंदोलन ने 1857 की आंदोलन की भूमिका लिख दी थी, ठीक है। यह जो आंदोलन था, जो लोगों में असंतोष की भावना थी, पूर्ण रूप से दब नहीं पाई थी और अंततः इसका प्रकटीकरण होगा 1857 के आंदोलन में, ठीक है। इन रियासतों में बुंदेलखंड क्षेत्र में जबरदस्त विद्रोह होगा 1857 के आंदोलन में, ठीक है। तो इसमें जो मधुकर शाह थे, ज्यादातर जो क्रांतिकारी या विद्रोही थे, उनके साथ अंग्रेजों ने क्या किया, उनके साथ कठोर संधियां कर ली, उनको बिल्कुल कमजोर कर दिया, ठीक है, चाहे वो हृदय शाह हो, चाहे वो बखत बली हो, लेकिन मधुकर शाह के साथ इन्होंने क्या किया, मधुकर शाह को इन्होंने गिरफ्तार करके 21 वर्ष की आयु में, ठीक है, मधुकर शाह को 21 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया, फांसी दे दी, ठीक है। मधुकर शाह को जब इन्होंने फांसी की, तब ये कितने साल के थे, 21 वर्ष के थे। मधुकर शाह को जब फांसी दी, क्योंकि मधुकर शाह ने इस आंदोलन का
प्रारंभ किया था, महान योद्धा थे इस आंदोलन के, हार नहीं मान रहे थे, जगह जगह अंग्रेजों को पराजित कर रहे थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, गिरफ्तारी के बाद इनको सागर जेल में फांसी दे दी। ठीक है, सागर जेल में फांसी दे दी मधुकर शाह को। ठीक है, सागर जेल में एक चबूतरा है, ठीक है, वहां पर बाकायदा इनके लिए जिस दिन इनकी पुण्यतिथि पर सम्मान समारोह किए जाते हैं। ठीक है, तो महान योद्धा थे मधुकर शाह बुंदेला, ठीक है, नारहट रियासत के, बुंदेला विद्रोह के। ठीक है, इनके भाई जो थे 19 वर्ष के थे, क्या नाम था उनका, गणेश जू। ठीक है, गणेश जू को देश निकाला दे दिया गया, इनके भाई को, इनके भाई गणेश जू जो इस समय 19 वर्ष के थे उनको देश निकाला दे दिया गया। ठीक है, तो ये तो फाइव मार्कर था बुंदेला विद्रोह। फाइव मार्कर में आप इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा आपके पास स्कोप नहीं होता बुंदेला विद्रोह के बारे में टिप्पणी कि ये क्यों हुई थी। सबसे पहले बता देंगे समाज में असंतोष व्याप्त था, किस वजह से, भू राजस्व व्यवस्था तथा इसके क्रियान्वयन की वजह से जितने भी शासक थे, रियासत जो रियासतों के मालिक थे, उन सभी में असंतोष की भावना व्याप्त थी। ठीक है, जयपुर के राजा परीक्षित ने एक आयोजन का प्लान बनाया। ठीक है, बुढ़वा मंगल आयोजन करना था, सारे जो बुंदेलखंड के शासक थे उनको इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना था। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्त करनी थी अपने क्षेत्रों की। ठीक है, 42 छोटी बड़ी रियासतों ने भाग लिया था इसमें। इस आयोजन में मां भवानी की कसम खाकर प्रण लिया गया था कि अंग्रेजों को अपने क्षेत्र से बाहर कर देंगे। ठीक है, और इसमें सबसे प्रारंभ, सबसे पहले बुंदेला विद्रोह का आरंभ किसने किया था, 8 अप्रैल 1842 को मधुकर शाह ने। ठीक है, मधुकर शाह गणेश जी इनके भाई थे और हृदय शाह हीरापुर रियासत के शासक थे। ठीक है, जयपुर के शासक राजा परीक्षित ने अंग्रेजों को अनेक युद्धों में पराजित किया था, मधुकर शाह ने भी इनका बाजा बजा दिया था अंग्रेजों का इस युद्ध में। ठीक है, ठीक है, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर अनेक क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, नर्मदा के होशंगाबाद क्षेत्र तक पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इन लोगों ने, रतन सिंह जो चरखारी रियासत के रियासतदार थे, रतन सिंह, बखतबली तथा मर्दन सिंह अंग्रेजों के पक्ष में हो गए थे और इन्होंने इस आंदोलन को दबाने में सहयोग भी प्रदान किया। ठीक है, इनकी वजह से हृदय शाह और मधुकर शाह जैसे महान योद्धा पकड़े गए। ठीक है, इस विद्रोह के प्रमुख क्रांतिकारियों में राजा परीक्षित, मधुकर शाह तथा हृदय शाह थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जनसमर्थन कम हो गया और धीरे धीरे यह आंदोलन समाप्त हो गया 1845 तक। ठीक है, मधुकर शाह को फांसी दे दी गई थी, बाकी सभी लोगों को उनको कठोर कठोर उनके साथ संधियां कर ली गई और उनको पूर्ण रूप से कमजोर कर दिया गया था। ठीक है, और उनके सम्मान में कमी कर दी गई। तो ये तो थी आज की क्लास। ठीक है, अगली क्लास में जो प्रश्न शेष रह गए हैं, एक तो बुंदेला विद्रोह का 11 मार्कर कर लेंगे कल। ठीक है, बढ़िया से, और बाकी की चीजें देख लेंगे 1857 से पहले, और 1857 में क्या क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, कौन कौन विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं, कहां कहां से 3 मार्कर बनेंगे, कहां कहां से 5 मार्कर बनेंगे, कहां कहां से 11 मार्कर बनेंगे। ठीक है, 1857 में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, वो सारी चीजें हम कल देख लेंगे। ठीक है, कल की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, गुड नाइट।